कुदरत कहे या नेचर, प्रकृति सभी के लिए समान है। दोस्तों, आज हम रानीखेत निवासियों के रिक्वेस्ट से नैनीताल से करीब 56 किलोमीटर दूर जाएंगे और अरमोड़ा जिले के दक्षिण पूर्व में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन रानीखेत के बारे में जानेंगे। मगर इससे पहले आप साइंस एंड नॉलेज डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सकें। रानीखेत को ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो वह समुद्र तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महज 55,000 जनसंख्या को अपने अंदर समाये रानीखेत अलग से अपनी विशेषता रखता है। ब्रिटिश राज ने सन 1869 में अपने यहाँ हेडक्वार्टर्स खोले हुए थे, जो कि उनके ग्रीष्मकाल के समय प्रयोग में आते थे क्योंकि शिमला में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। चलो अब बात करते हैं पौराणिक इतिहास की कि रानीखेत की खोज कैसे हुई। कहा जाता है कि रानीखेत की खोज राजा सुखदेव की पत्नी पद्मनी के द्वारा हुई। साल था 1290 का, जब वे दोनों अपनी सेना के साथ मार्ग से गुजर रहे थे। यहाँ चीड़, देवदार, बांज और जमीन अधिक जगह पर समतल भी थी। तब रानी इस जगह से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने राजा के साथ यहाँ रहने का फैसला लिया। रानी द्वारा किए जाने वाले फैसले के कारण राजा ने इस जगह का नाम रानीखेत रख दिया। तभी से इसे आज रानीखेत के नाम से जानते हैं। रानीखेत में टूरिस्ट एक्टिविटी थोड़ी कम रहती है। बेसिकली रानीखेत मंदिरों के लिए ज्यादा महत्वता रखता है। आप यहाँ बिनसर महादेव को भी देख सकते हो, जो कि रानीखेत का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के अलावा आप यहाँ गोल्फ कोर्स, हेड़ा खान, कटारमल, टाड़ीखेत, चबूटिया आदि जगह जा सकते हो, जो कि रानीखेत से 8 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रानीखेत आर्मी डिफेंस के लिए ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर को आप आर्मी फील्ड और आर्मी द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग्स को देख सकते हो। यहीं पर को छोटे से एरिया में रानी झील भी बनाई है, जो कि एक कृत्रिम लघु झील है। पर्यटक इस पार्क में आते हैं और रानी झील को देखते हैं। रानीखेत का तापमान औसत रहता है, मगर जाड़ों के टाइम में काफी नीचे गिर जाता है। जाड़ों के टाइम पर यहाँ बर्फबारी होती है, मगर चीड़ के पेड़ों की अधिक मात्रा होने की वजह से बर्फ गिरकर पिघल जाती है। तो दोस्तों, आज आपने रानीखेत के बारे में ब्रीफ में जाना होगा। रानीखेत के लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नैनीताल में आर्किटेक्ट कैसे हुआ, और ये भी जानेंगे कि पहले का तल्लीताल और मल्लीताल कैसा था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।